हेलो फ्रेंड्स, ये है सीपी फोर पंप। जैसा कि देख रहे हो आप, मैंने मशीन पे सेटअप कर लिया है। जैसा कि देख रहे हो, ये है 1000 वाली बॉडी, सिंगल प्लंजर वाला बॉडी है। ये हमने पाइप अटैच कर लिया रेल तक, और ये है हमारा मास्टर नोजल जो हम चेक करेंगे मशीन में प्रेशर कितना है। यहाँ से आपको फ्यूल सप्लाई देना है, फ्यूल सप्लाई देना पड़ता है। अभी हम करते हैं मोटर को ऑन। जैसे कि देख रहे हो, 2 kg का प्रेशर दिया है हमने। यहाँ से डीजल फ्लो हो रहा है। अभी हम मशीन को करेंगे ऑन। जैसे कि देख रहे हो, हमारा मशीन भी चालू है। इसमें करंट आपको नहीं देना है, बिना करंट के चलेगा, ठीक है। अभी हम सेमुलेटर हमारा ऑन करेंगे। इसको आपको लगभग रखना है 1000 प्रेशर सेट करना है आपको, 1000 सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अभी सेट करेंगे इंजेक्टर। हमने इंजेक्टर डेंसो का लगाया है। जिस अब कोई भी कंपनी ब्रांड का होगा वो सिलेक्ट करना है, और 04 का फ्रीक्वेंसी सेट करना है आपको, ठीक है। 04 की बात, हम सिंगल इंजेक्टर लगाए हैं ना, इसलिए 04, एक ही इंजेक्टर को चारों का प्रेशर देंगे एक ही बार, ठीक है। हमने इनपुट कर लिया है इसका करंट। अभी हम यहाँ से करते हैं, देखो जैसे कि देख रहे हो 1000 to 1000 प्रेशर मैनेज कर रहा है। अभी हमने इसका इंजेक्टर को ऑन किया है। जैसा कि आप देख रहे हो, हमारा इंजेक्टर फायर हो रहा है, ठीक है। यह है 535 नंबर का पंप, Q3 में लगा है, ऑडी Q3। ये A4 में भी आता है। देखो हमें ऑन करने के बाद कितना प्रेशर मैनेज हो रहा है हमारा, 400 का ड्रॉप आ रहा है, यानी कि पंप एकदम परफेक्ट है। 400 प्रेशर होल्ड होना चाहिए। स्टार्टिंग में आपका 350 होगा, फिर बाद में 400 मैनेज हो जाएगा। 400 से नीचे नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, 400 आपका इन चारों इंजेक्टर को फायर करने के बाद 400 का ड्रॉप होना बहुत ज़रूरी है। इससे हाफ सेल में गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। जैसे कि देख रहे हो इस तरह, ये 1000 में जो बॉडी है, सिंगल प्लंजर वाला आता है। इसमें 4000 लिखा हुआ था, 2 प्लंजर होता है। कोई भी 4 2 लीटर का इंजन होता है, 4 सिलेंडर वाली गाड़ी में आपका सिंगल प्लंजर आएगा, ठीक है। अभी हमने आपको CRDA सेटअप के थ्रू बताया, और जिस भाइयों के पास CRDA सेटअप नहीं है, मैनुअली कैसे चेक करेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बता दी मशीन बंद करेंगे, हम अभी सादा सेटअप कर लेंगे। जैसे देख रहे हो, हमने सादा इंजेक्टर को लगा दिया है। रेल जो प्लंजर से पाइप जा रहा है, हमने सादा इंजेक्टर इधर कनेक्ट कर लिया है। इसमें इस नोजल में 300 का प्रेशर हमने मैनेज किया है, ठीक है, क्योंकि 300 बार में गाड़ी स्टार्ट होती है। फ्यूल सप्लाई हम ऑन किए हैं। अभी हमारा मशीन ऑफ है, ठीक है। ये हमारा इंजेक्टर लगा था CRDA सेटअप, और हमने मैनुअली अभी कनेक्ट किया है, ठीक है। अभी हम करेंगे हम अभी अपने मेन मशीन को ऑन। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी अपने सिमुलेटर में DRV ऑफ है ना, ऑन होगा तो ऑफ कर लेना उसको, नहीं तो आपका DRV रेल का DRV गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, मैनुअली सेटअप में आपका DRV से कुछ लेना देना नहीं, ये CRDA का सेटअप से कोई लेना देना नहीं है, सब कैंसिल हो गया समझो। भैया हमने मशीन ऑन किया है, अभी हमारा इंजेक्ट नोजल फायर हो रहा है, नोजल हमारा फायर हो रहा है। अभी एक चीज़ हम आपको बताएंगे, इस पंप के स्विच को किस तरह चेक करना है, ठीक है। अभी हम इसको 12 वोल्ट का करंट, जैसे आपके मशीन में 12 वोल्ट का करंट होता है, आपको ऐसा इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद क्या होगा, आपका इंजेक्टर फायर होना बंद हो जाएगा, निकालने पे फायर होगा। जैसे कि हम आपको अभी यहाँ पे ना, अभी आगे आपको डिलीट दे दें, इसे हमारा इंजेक्टर फायर हो रहा है। हमने इनपुट किया, डिलीवरी बंद हो जाएगी। जैसे कि देख रहे हो आप, लगाने पे बंद होगा, निकालने पे चालू हो जाएगा।
अगर स्विच आपका सही है तो इसी तरह काम करेगा। जैसे ही आप लगा देंगे फिर भी डिलीवरी ड्रॉप ड्रॉप गिर रहा है, उससे क्या होगा, गाड़ी में रनिंग में आपका फॉल्ट कोड आएगा P00878888898, डीजल लाइन का फॉल्ट कोड है, ठीक है। इस तरह आपको चेक करना है हर चीज़। हाँ, ये 535 का पंप है, Q3 में लगा हुआ है, A4 में भी आता है, ठीक है। और इसमें इंजेक्टर लगता है 369647, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।